जनूबी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। मुल्तान के 33 स्कूलों में पैक के QR कोड से पर्चा डाउनलोड ना हो सका। सदर के स्कूलों में इंटरनेट की वजह से असातिज़ा को इम्तिहानात लेने भी मसाइल का सामना है। जनूबी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा अलिश्पा से। जी अलिश्पा बताइएगा। सरकारी स्कूलों में आज फाइनल इम्तहानात शुरू हो गए हैं। आज पहला पर्चा लिया गया। कल से ये इशू आ रहा था कि पैक की जानिब से जो QR कोड है उसके थ्रू जो स्कूल हेड्स हैं वो अपना पेपर जब डाउनलोड कर देते तो 24-24 घंटे लग गए पेपर डाउनलोड होने में। और कुछ स्कूल अभी भी ऐसे हैं जिनका पेपर डाउनलोड नहीं हुआ। मेरे साथ इस वक्त स्कूल में ही मैं मौजूद हूँ, उनकी टीचर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आज उन्हें क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा और वो किस हवाले से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो हमें मेन इशू जो फेस करना पड़ा है वो डाउनलोडिंग में था। पहले इन्होंने 3 डिफरेंट डेट्स दी हैं, हर बार ये डेट्स चेंज कर लेते थे ये पैक वाले। और जब ये डेट दिए इन्होंने तो एग्जाम से 3 दिन पहले उन्होंने डेट्स दी हैं। उसके बाद ये इतनी हैवी उनकी वेबसाइट हो गई है कि वो ओपन नहीं हो रही थी, डाउनलोडिंग का इशू आ रहा था बार बार। और जब पेपर डाउनलोड हुए हैं तो फिर उनके सब्जेक्टिव का इशू भी आया है, सब्जेक्टिव ब्लैंक थी उनमें। फिर उनमें एक दो पेपर में इस तरह है कि किसी में ऑप्शन नहीं था, बिल्कुल मतलब ब्लैंक था वो। अगर किसी में ऑप्शन था तो उनका जो इमेज बना हुआ था वो बहुत ब्लर था, वो ब्लैंक था, ये वाले इश्यूज थे। और आपने खुद अभी देखा कि तमाम क्लासेज में बच्चे इतने कंजस्टेड बैठे हुए थे। इधर से पैक का एग्जाम स्टार्ट हो गया, उधर से बोर्ड्स हैं। जब बोर्ड्स हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास एकोमोडेशन का इशू आता है। हम 3 हमारी क्लासेज हैं, उनके इतने ज़्यादा सेक्शन है, तादाद हमारी बहुत ज़्यादा है, हम उन बच्चों को किस तरह एकोमोडेट करें? इतना कंजस्टेड बिठाया हुआ है तो वो पेपर लेने का ही कोई फायदा नहीं है। इस तरह से हम उन पे प्रॉपर फोकस ही नहीं कर पा रहे। थैंक यू। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है 3 इश्यूज मेन आ रहे हैं। वो ये कि एक बोर्ड का इम्तहान भी हो रहा है तमाम सरकारी स्कूलों में तो बच्चों को बिठाने की जगह बहुत कंजस्टेड है। और टीचर्स का यही मुतालबा है कि स्कूल के टीचर्स खुद पेपर बनाए तो ये मसाइल का सामना ना करना पड़ता। जी अलिश्पा बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद का रमजान बाजार का दौरा, मकामी MPs के हमरा इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। शहरियों की जानिब से सहूलियात और रिलीफ न मिलने के शिकवे। खवातीन कहती हैं कि रमजान बाजार में 3 दिन से आटा नहीं मिल रहा। MPA जाहिद अकरम ने खवातीन में आटा तकसीम कर दिया, आटे की कीमत अपनी जेब से अदा की। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद का रमजान बाजार का दौरा, मुकामी MPAs के हमरा इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया गया। शहरियों की जानिब से सहूलियात और रिलीफ ना मिलने के शिकवे किए गए। बहावलनगर में रमजान बाजार में 3 दिन से आटा नहीं मिल रहा, खातून का शिकवा। और MPA जाहिद अकरम ने खवातीन में आटा तकसीम कर दिया है। MPA ने तकसीम किए गए आटे की कीमत अपनी जेब से अदा की है। खवातीन कहती हैं कि रमजान बाजार में 3 दिन से आटा नहीं मिल रहा है, शहरियों की जानिब से सहूलियात और रिलीफ ना मिलने के शिकवे किए जा रहे हैं। मकामी MPAs के हमरा इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद का रमजान बाजार का दौरा है। मजीद तफसीलात जानने के लिए कासिम अली शेख हमारे साथ मौजूद है। कासिम अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये जो है डिप्टी कमिश्नर भावनगर ने अरकान असम्बली के हमरा सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया था और इस मौके पर वहाँ मौजूद जो शहरी हैं, खवातीन हैं, उन्होंने निशानदेही की है यहाँ पर जो है रिलीफ नहीं मिल रहा। एक खातून का कहना था कि वो 3 दिन से आटा लेने के लिए यहाँ मौजूद है लेकिन आटा नहीं मिल रहा। और ये जो शिकायत के अंबार लगा दिए गए हैं शहरियों की जानब से डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में और 3 अरकान असम्बली जो कि यहाँ दौरे के लिए आए थे। और फिर मुकामी जो MP हैं उन्होंने अपनी जेब से 10 ठेलों को पैसे दिए और लोगों में जो है वो आटा तकसीम कर दिया। तो इस तरह जो पंजाब हुकूमत की हदायत पर बहावन नगर में जो सस्ता रमजान बाजार लगाया है इसमें लोग जो है अदम फरहमी जो सहूलत है उनका शिकवा कर रहे हैं और जो रिलीफ है वो नहीं मिल रहा, जिसका जो है वो अजाला किया जा रहा है। लेकिन जो है लोग जो है शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि सस्ता रमजान बाजार को लगा दिया है लेकिन इसमें रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं मिल रहा। और खासतौर पर जो आटा है वो एक तो मिल भी बड़े कम, तकरीबन को आम मार्केट से 10-20 रुपए कम मिल रहा लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। लोग जो है वो रोजाना यहाँ पर आते हैं लेकिन रिलीफ उन्हें नहीं मिल रहा। और डिप्टी कमिश्नर ने बाद में इस चीज़ का नोटिस लिया, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो हदायत की है कि जो रमजान बाजार है उसमें आटे की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। ठीक है कासिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
चिश्तिया में रमजान प्रोग्राम के तहत राशन की तकसीम जारी है। खवातीन का कहना है कि इस प्रोग्राम से खुश हैं, गरीब आवाम को घर घर राशन दिया जा रहा है। वजीर आला ने राशन देकर घर का चूल्हा जलाया है। मजीद तफसीलात बताएंगे जाहिद हुसैन हाशमी। जी जाहिद, मौजूदा हुकूमत की जानब से आवाम को घर घर निगहबान प्रोग्राम के तहत राशन की जो तरसील है वो जारी है। मरियम नवाज के इस विजन के मुताबिक पूरे पंजाब भर के अंदर रमजान शरीफ के महीने में घर घर लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक नवाही इलाके के अंदर, मेरे साथ वो खवातीन भी मौजूद हैं जिनको घर के अंदर राशन दिया गया है। क्या कहती हैं वो इस मुतलक, मरियम नवाज के इस विजन के मुतलब उनका क्या पैगाम है, मजीद उनसे जानते हैं। बीबी थोनू राशन मिल गया, की कहने जो तुम मिलिया जी मरियम नवाज वजीर अला पंजाब के इस विजन से बहुत खुश है क्योंकि रमजान शरीफ के अंदर तमाम लोगों को घर घर तक पहुँचा कर उनका पैगाम हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया। अब रुक करेंगे भक्कर का। निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम का अमल जारी है। 25,000 से ज्यादा मुसहिक खानदानों में राशन की तकसीम जारी है। 10,000 मुसहिक अफराद को राशन उनकी दहलीज तक पहुंचा दिया गया है। तफसीलात बताएंगे असलम लोच, बताइएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह बखर में भी निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान जिशान शरीफ कसरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं सर कितना बेनिफिशियरी थे और कितनी अब तक जो है वो निगहबान पैकेज तकसीम हो चुका है, कितनी टीमें तश्कील दी गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इनिशिएटिव है निगहबान रमजान पैकेज, उसके तहत हमारे पास तहसील दरिया खान में 25,394 बेनिफिशरीज की लिस्ट मौजूद है। तो डीसी साहब की सुपरविजन में हम लोग ये डिलीवरी स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अलावा ऐप्स भी बनाई गई हैं अर्बन यूनिट की तरफ से, भी बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि कितने दिनों तक ये कंप्लीट कर जी, उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपने घरों में तशरीफ रखें, हरगिज किसी जगह पर ना जाएँ, किसी चीज़ की भी परेशानी ना लें। इंशाल्लाह 10 रमजानुल मुबारक तक हर एक बेनिफिशरी को उसके घर पर राशन डिलीवर कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान जिशान शरीफ कसरानी साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि 8,000 मुस्तहिक जो खवातीन हैं उनको राशन जो है वो फराम कर दिया गया है। 15 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 10 मह रमजान तक जो है वो ये निगहबान पैकेज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जिन जो वो बेनिफिशियरीज हैं रहें, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उनकी दहलीज पर ही जो राशन उनको फराम किया जाएगा। जी जी असलम लोच, शुक्रिया। मेलसे में राशन की तकसीम का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, राशन की तकसीम और सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। मज़ीद जानेंगे अब्दुल समद चौधरी से। जी जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के हदायत पर राशन तकसीम के हवाले से मुख्तलिफ टीमें जो है वो तहसील मेलसी के अंदर काम कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी और डीएसपी मेलसी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, टीमों को जो है वो चेक किया है। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी मियां तारिक महमूद साहब, मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितनी टीमों को आपने चेक किया और अब तक कितने लोगों को जो है वो राशन दिया जा रहा है। इस वक्त तक हमने आज के दिन में 12-13 टीम्स को चेक किया है, मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं, जो बेनिफिशरीज हैं उनसे मिले हैं, पब्लिक के लोगों से मिले हैं, उनसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मैकेनिज्म के बारे में सारी बात की है। और इस चीज़ को खसूसी तौर पे मद्देनज़र रखा गया है कि लोगों को उनके घर पे जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और जहाँ तक टीम्स का ताल्लुक है, हर गाँव के लिए एक डेडिकेटेड टीम है और 93,000 के करीब हमारा टारगेट है तहसील मेलसी का, और इस वक्त तक 35,000 से जायद जो बेनिफिशरीज हैं उन तक ये राशन का बैग पहुंचाया जा चुका है। जी बिल्कुल, राशन की तकसीम के हवाले से सिलसिला जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पर जारी है। उन टीमों को जो है वो चेक किया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर उनकी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समद। रंगपुर में BISP के तहत इमदादी रकम की तकसीम में कटौती का सिलसिला जारी। रिटेलर्स मुसहिक खवातीन की इमदादी रकम में नाजायज कटौती करने लगे। खवातीन का कहना है कि रिटेलर्स हमारे हक खाने पर तुले हैं, 13,500 का मैसेज आने के बाद 10,000 दिए गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से, बताइएगा खवातीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है।
रंगपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली खवातीन को जो है रकम में रिटेलर्स की जानब से जो है वह कटौती का इंकशाफ हुआ है। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बीबी दसा तुसा पैसे कटावन आए तो आपको कितने पैसे थोड़े आए, कितनी ना कटौती की थी, क्या आखो भाई? साढ़े 13,000 का मैसेज आया है। असा जल्द उत गए सा कोल अंगूठा लवा के दने 10,000 दिता ने सा को अस अंदर वहने हैं तो सा को दे नहीं आदन चल बाहर बाहर ही है थोड़े आन पैसे सबको अंदर धिक्के दें नहीं बड़ा नहीं दे। बिल्कुल इनका यही कहना है कि बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम में जो है वो रिटेलर हजरात की जानब से जो है वो नजायज कटौती की जा रही है। खवातीन को धक्के भी दिए जा रहे हैं, अखबार भी किया जा रहा है और 2,000 से लेकर 15,000 रुपए तक जो है वो कटौती की जा रही है। खवातीन का कहना है कि हुकूमत जो है वो हमें कम फराहम करती है मगर ये जो रिटेलर हैं ये नजायज तौर पर कटौती करके हमारे हक पर जो है डाका डालते हैं, इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। जी जी राणा परवेज, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे ख्वाजा सरा पंकज खान मुस्तकीन की मदद के लिए पेश पेश। अदाकारा ने मुल्तान में 200 से ज्यादा बेवा खवातीन में राशन तकसीम किया। इनका कहना है कि मुतवस्सत तबके की खुशियों में हमें शामिल करना चाहिए। इसी वाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। वसीम आगाह करें। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक की बात करते चलें तो रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में ऐसे लोग जो मुतवस्सत हैं उनका ख्याल रखने के लिए जहां पर मुखय्यर हजरात की जानिब से राशन की तकसीम की जा रही है वहीं पर ख्वाजा सरा बरादरी जो है अब वो भी इस हवाले से हमें पेश पेश जो है वो नजर आ रही है। बात करते चलें तो मैडम पिंकिश जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। 15 साल से मैं इस तरह ही कर रही हूँ, तमाम में राशन का हर साल होता है कि हर साल मैं करती हूँ राशन के 50 बंदों को दे सकूँ या 100 बंदों को दे सकूँ और मैं बड़े अरसे से करती आ रही हूँ और ये होते हैं हमारे ऐसे ख्वाजा सरा जो लेते हैं लेकिन मैं क्या कहते हैं मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं खुद इकट्ठा पैसा करती हूँ पूरा साल और इकट्ठा करके फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने माह रमज़ान में मैं ये राशन उस घर तक पहुँचा सकूँ जिनके घर में एक टाइम के लिए खाना नहीं होता, ठीक है ना, जिनको इस चीज़ की इतनी ज़रूरत होती है। और वो मैं सुनती हूँ कि नमक से रोज़ा खो रहे होते हैं और कोई खाली पानी से रोज़ा रख रहा होता है लेकिन जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तो इसलिए मैं सबको इकट्ठा करती हूँ और इकट्ठा करके कोशिश करती हूँ कि राशन दूँ मैं। और मेरा इंशाल्लाह ताला है कि अब मैंने कुछ लोगों को दिया है, अगले साल में पूरे मुल्तान को दूँ इंशाल्लाह ताला। और सब लोग ऐसे मेरे लिए दुआ करना और अल्लाह पाक हमें ऐसे हिम्मत देता रहे और हम ये काम करते रह जाए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा पिंकिश खान मौजूद थी जिनका इस हवाले से ये कहना है कि ख्वाजा सराओं के साथ साथ जो बाकी मुतवस्सत तबका है उनके अंदर भी राशन की फराहमी जो है वो आ रही है ताकि ये मुतवस्सत तबका जो है रमजान मुबारक की बरकतें सहर अफ्तार के साथ समेट सके। जी वसीम शहजाद, शुक्रिया। असम मुल्तान आवाम को सहूलत फराहम करने में पेश पेश। डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल सलाम की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं साफ पानी के लिए 65 फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फाल हैं, तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर्स को भी तब्दील किए जा चुके हैं। वासा मुल्तान 4 औकात में साफ पानी फराहम करेगा। सलमान समीर बताएंगे मजीद क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, बात करेंगे वासा के हवाले से तो रमजान के महीने के अंदर वासा जो है उसने स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए हैं कि मुल्तान के शहरियों को वाटर सप्लाई और सीवरेज के मसायलों को हल करने के लिए इस वक्त वो मुतहर्रिक हो चुका है। मेरे साथ डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वासा मुल्तान जो है वो माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात देने के लिए कोशा है और वाटर सप्लाई के जो टाइमिंग पहले 3 टाइम हुआ करते थे सुबह दोपहर और शाम में उसमें हमने इजाफा किया है और शहरी के टाइम में भी हम अब शहरियों को साफ पानी की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे 65 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लोकेशंस पर इंस्टॉल्ड हैं, उस पर भी हमने प्रॉपर फिल्टर्स चेंज कर दिए हैं और प्रॉपर वहाँ से साफ एंड सेफ वाटर जो है वो अवेलेबल है लोगों के लिए। मज़ीद ये कि हमारी जो है वो टीमें वो हमने तश्कील दे दी हैं, जो भी पब्लिक की कंप्लेंट्स हैं सीवरेज या वाटर सप्लाई से मुतालिक वो हमने 2 शिफ्टों में उनको डिप्यूट कर दिया है ताकि जल्द से जल्द आवाम की शिकायत का अजाला हो सके। शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि वासा ने 65 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर अपने फिल्टर्स भी चेंज कर दिए वजह से शहरियों को रमज़ान के महीने में साफ पानी की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है। जी जी बहुत शुक्रिया।
दफा 144 लगाने का इख्तियार डीसी को देने का मामला। महकमा दाखिला ने 7 रोज तक कानून साजी करने के लिए समरी तैयार कर ली है। काबीना की मंजूरी के बाद एक्ट में तरामीम असेंबली करेगी। 7 रोज से जायद के लिए दफा 144 का इख्तियार होम सेक्रेटरी के पास होगा, जबकि पूरे पंजाब में दफा लगाने का इख्तियार भी होम सेक्रेटरी के पास होगा। डीसी को सिर्फ 7 रोज तक लगाने का इख्तियार दिया जाएगा। दफा 144 लगाने का इख्तियार डीसी को देने का यह मामला है। महकमे दाखिला ने 7 रोज तक कानून साजी के लिए समरी तैयार कर ली है। काबीना की मंजूरी के बाद एक्ट में तरामीम असेंबली करेगी। 7 रोज से जायद के लिए दफा 144 का इख्तियार होम सेक्रेटरी के पास होगा। पूरे पंजाब में दफा लगाने का इख्तियार होम सेक्रेटरी के पास होगा। डीसी को सिर्फ 7 रोज तक लगाने का इख्तियार दिया जाएगा। सीपी 269 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। वोटों के थैले सख्त सिक्योरिटी में कोड़े खान स्कूल पहुंचा दिए गए। हारने वाले आजाद उम्मीदवार इकबाल खान प्रतापी भी स्कूल पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था। आपको बता रहे हैं कि हारने वाले आजाद उम्मीदवार इकबाल खान प्रतापी भी स्कूल पहुंच गए हैं। सीपी 269 में वोटों की दोबारा गिनती का यह मामला है। वोटों के थैले सख्त सिक्योरिटी में कोड़े खान स्कूल पहुंचा दिए गए। मुजफ्फरगढ़ में हारने वाले आजाद उम्मीदवार इकबाल खान प्रतापी भी स्कूल पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था। वोटों के थैले सख्त सिक्योरिटी में कोड़े खान स्कूल पहुंचा दिए गए हैं। सीपी 269 में वोटों की दोबारा गिनती का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म जारी किया था। अब आपको बताएं, रेलवे सिस्टम में ट्रेन ऑपरेशन के लिए बोगियों की शदीद किल्लत। रेलवे सिस्टम पर मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी 90 ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे रूल्स के मुताबिक 1490 बोगियों के बजाय 1165 बोगियों से काम चलाया जाने लगा। रेलवे सिस्टम में 325 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी है। ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में से 46 बोगियां सालाना मुरम्मत के बगैर चलाई जाने लगी हैं। मुरम्मत के बगैर बोगियों को ट्रैक पर चलाने के बड़े हादसे का खदशा बढ़ गया। फंड्स और मटेरियल की कमी बोगियों की बरवक्त मुरम्मत की राह पर हायल होने लगी है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, रेलवे सिस्टम में ट्रेन ऑपरेशन के लिए बोगियों की शदीद किल्लत है। 1165 बोगियों से काम चलाया जा रहा है। ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में 46 बोगियां सालाना मुरम्मत के बगैर चलाई जा रही हैं, जबकि मुरम्मत के बगैर बोगियों को ट्रैक पर चलाने से बड़े हादसे का खदशा बढ़ गया है। फंड्स और मटेरियल की कमी बोगियों की बरवक्त मुरम्मत की राह में हायल होने लगी है। अब यहाँ बात करेंगे, महकमा एक्साइज मुल्तान नादा हिंदगान के खिलाफ मुतहरिक हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से वसूली के लिए लाइहा अमल तैयार कर लिया गया है। एक्साइज ऑफिसर खालिद हुसैन कसूरी का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से 87 करोड़ का हदफ दिया गया था। 29 फरवरी तक 67 करोड़ टैक्स वसूल किया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की कारकर्दगी 76% रही है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नादिर मसर से। जी नादिर। हाँ जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो महकमा एक्साइज की प्रॉपर्टी ब्रांच की तरफ से जो टैक्स नादहिंदगान जो है लोग हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जो है वो जारी है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से 87 करोड़ से जायद का जो है हदफ भी दिया गया था एक्साइज महकमे को कि इससे जो शहरियों से जो टैक्स की जो रिकवरी है वो वसूल करनी थी। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर एंड एडमिन खालिद हुसैन कसूरी, उनसे बात करते हैं। हमारे 23-24 के माली साल का जो टोटल टारगेट है प्रॉपर्टी टैक्स का वो 87 करोड़ था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 29 फरवरी 2024 तक तकरीबन 67 करोड़ की वसूली कर ली है, जो कि सालाना टारगेट का 76% है। तमाम मुअज़्ज़ज़ टैक्स गुजारान से ये अपील करना चाहूँगा कि तमाम वो ऐसे टैक्स गुजारान जिनके जिम्मे बकाया जात हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब नए सिरे से नई हुकूमत जो आई है उसकी तरफ से भी हमें काफ़ी सख्त डायरेक्शन है कि सरकारी वाजबात की वसूली के लिए पूरे लाहेमल इख्तियार किया जाए, कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी मुल्तान के शहरियों से, 20 मार्च तक मेरी अपील है, उनसे गुजारिश है कि वो 20 मार्च तक अपने वाजबात अदा करके किसी किस्म की परेशानी से महफूज रहें, क्योंकि जब भी तालाबंदी होगी तो यकीनन कारोबार मुतासर होगा, कारोबार मुतासर होने से दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। इनका कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से 87 करोड़ का हदफ दिया गया था मालियाती साल मुकम्मल होने से पहले ही जो है
तकरीबन 67 करोड़ तक जो है वो शहरियों से रिकवर करके कौमी खजाने में जमा भी करवा दिए गए हैं और 76% तक जो है ये कारकर्दगी रही है और मजीद अभी जो है 20 करोड़ की जो रकम है वो भी शहरियों से वसूल करनी है। इस हवाले से 17,000 कमर्शल के जो सार्फिन है रिहायशी उनको भी जो है नोटिस जारी किया गया कि शहरी अपना जो है प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जी नाज़िर बहुत शुक्रिया आपका।